बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज बच्चों हम देखेंगे क्लास फाइव का, मैंने जो बताया था एक्सरसाइज था 1.1 जो तुम्हारा आपका था, उसका जो सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन नंबर 13 तक मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करके। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो इन द फॉलोइंग मल्टीपल सम रिप्लेस स्टार बाय या करेक्ट डिजिट। अब यहाँ पे लिखा 4, 3, यहाँ पे स्टार था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसका 2, 4, 8 किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये हमें चेक करना, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 होगा तभी यहाँ पे 2 हो सकता है, तो यहाँ पे 1 फिल कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8 सिंपल सा कर लिया, फिर 1। अब क्योंकि यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे हम कुछ दूसरा नंबर लेते हैं तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लेंगे, 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, 1 4 4, काउंट करेंगे 8 4 2 6, 6 1 7, 8 3 11, 4 1 5, इस तरह से ये बच्चों हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम इसका सेकंड देखेंगे। यहाँ पे 5 दिया, यहाँ स्टार दिया, यहाँ 1 दिया, 7 दिया और यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है। अब यहाँ पे 5 आया, अगर यहाँ पे हम 7 या दूसरा कोई नंबर ले लेते तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 7 यानी 5 को पुट कर देंगे, 5 7 35। फिर इसमें फिल करना इस तरह से होता है कि यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको हमें ध्यान रखना होता है। तो 5 7 35, 5 1 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे हम देखें, क्योंकि 0 आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले जिससे हमारा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे 7 भी आ रहा तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो 5 4 20, 5 5 25, 25 2 7 हो गया। फिर 2 7 14, यानी यहाँ पे 2 7 14 1 कैरी, और 2 1 2 1 3 हो गया, 2 4 8, 2 5 10। अब यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ पे 7 आना है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लें कि आसानी से हल सॉल्व हो जाए हमारा, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 7 7, 1 1 1, 1 4 4, 1 5 5, काउंट कर लेंगे, 5 8 4 12, 3 7 11 1 11, 7 3 10 10 1 11, 8 1 8 1 होता है 9 9 7 16 16 1 17, 1 कैरी था, 4 2 6 6 1 7, 5 1 6, इस तरह से बच्चे जो है हम इसको कर सकते हैं। आगे का हम लोग देखेंगे, जिसमें लिखा है फाइंड द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर, तो यानी 3 5 5 0, यहाँ 50 लिखा हुआ, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 50 का टेबल नहीं आता है, तो इससे साइड में हम क्या करेंगे, साइड में इस तरह से लिख लेंगे 50 into 1 50 50 into 2 100, 50 into 3 150, 50 into 4 200, 50 into 5 250, 50 into 6 यानी 300, और 50 into 7 350। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 350 है, तो इस 3550 है, तो इस तरह से आसानी से हम जो है कर सकते हैं। तो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने टेबल 5 57 जा, यहाँ पे 350 होता है तो इसको माइनस किया, ये दोनों कट हो गए, 5 से 5 माइनस कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 5 से 0 माइनस किया तो 5 या 0, और 51 जा 50। तो इस तरह से को हम इस तरह से जो भी दूसरे सम्स हैं उनको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा 7 6 2 4 और डिवाइडेड बाई 10 लिखा है, तो यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड करना, 7 6 2 4। अब इसको हम, क्योंकि 10 से 7 तो डिवाइड होता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हमें टेबल पढ़ना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें जो है टेबल पढ़ना होगा। तो टेबल पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 7 यानी 10 से हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 76 हो जाएगा, 10 7 70, फिर यहाँ से 6 है, यहाँ इससे 7 से 7 कुछ नहीं बचेगा, 6 से 0 हो जाएगा, 6 आएगा, फिर 2 उतार दें, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे इस तरह से जो है, और यहाँ हो जाएगा 62। तो अब हमें ये टेबल पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 10 6 60 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 4 10 2 20 हो गया, 4 यानी 4 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो ये बच्चों हो गया। इसी तरह से जो हम ये भी सम करेंगे, यानी यहाँ 1 6 20 डिवाइडेड बाई 25 25, 1 6 20 है, 6 4, अब हमें ये देंगे 25 से 1 तो डिवाइड होता नहीं, तो 6 6 6 6 ले लेंगे, 16 हो गया, ये भी डिवाइड नहीं होता है,
फिर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 162, तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें टेबल पढ़ना होगा, तो 25 हमने टेबल लिखने का पहले मेथड आपको बताया है कितनी आसानी से हम टेबल लिख सकते हैं। 25 6 ज़ा होता है 150 होता है, तो इससे हमने 2 से 0 2, 6 से 5 1 और यहाँ पे 0 हमारा था, इसको उतार देंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि 120 से ज़्यादा ना हो, तो 25 4 ज़ा होता है 100, यहाँ से इसको माइनस किया तो यहाँ पे 20 आ गया। अब इसी तरह से बच्चों आगे 601025 15 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे 15 से 6 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 0 बढ़ा देंगे सब जाएगा 60, तो 15 फोर ज़ा होता है 60, यानी दोनों कैंसिल। अब यहाँ 1 था ना, 1 तो डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 ले आएंगे, तो फिर यहाँ देखो 15 से 1 डिवाइड किया, तो यहाँ पे 15 से 1 जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है 0 आएगा, बी 0 तो अब भी कम है, तो हम यहाँ पे 0 और बढ़ा देंगे, 15 6 90 होता है, 2 से ये आ गया, फिर 1 यानी हो जाएगा 120, तो 15 6 90 और 15 7 105 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों जो है हम आगे के सम्स कर सकते हैं। फिर आता है विदाउट डिवाइडिंग से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑन फॉल्स, तो इसमें बताना है 8762461 इज डिवाइडेड बाई 3 है या नहीं है, क्यों हम जब इसको हम प्लस करते हैं, प्लस करने पर अगर ये डिवाइड हो जा रहा है, वो अंक हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद जो अंक हमारा डिवाइड हो रहा है वो तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, अगर प्लस करने पर डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे हमने इसको किया 8 7 6 + 2 + 4 + 6 + 1 ऐड करने 8 7 15 15 6 21 21 और 23 24 और 27 होता है 33 और ये होगा 34, तो 34 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, इसलिए 8 7 6 2 4 6 1 इज डिवाइड डिविजिबल बाई 3 इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि दिया है 1 2 4 6 2 5 इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 इसलिए क्योंकि जिस भी नंबर के आखिर में 0 या 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे इज डिविजिबल बाई 5। द अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम ये हो गया 16, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, द प्राइस ऑफ काउ इज 1 2 4 6 2, हाउ मच मनी विल जैक पे टू बाई 18 काउस, यानी 18 गाय खरीदने के लिए उसे कितना, यानी एक गाय का जो उसका पैसा है वो 12,000 यानी 6462 यानी 12,462 है, तो हम ये क्या करें, 1 का प्राइस 1 2 4 6 2 हो जाएगा, 18 का प्राइस क्वेश्चन मार्क हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हमने करा तो यानी 8 2 16 यानी इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया और 8 2 16 8 6 40 8 48 1 49 8 4 8 4 8 4 32 32 4 36 8 2 16 8 2 16 16 और 3 हो गया 19 और 8 1 1 9 1 2 2 1 6 6 1 4 4 1 2 2 1 1 9 इस तरह से हम इसको काउंट भी कर देंगे, यानी 6 9 2 11 6 6 12 13 9 4 13 14 वन कैरी था, 9 2 11 11 यहाँ वन कैरी आया था, यहाँ भी वन कैरी था, यहाँ भी वन कैरी था, तो 9 2 11 1 12 और यहाँ वन कैरी, ये हो जाएगा 22, इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 56, हाउ मनी शर्ट कैन बी बॉट फ्रॉम 1 rupees 1064, यानी इतनी जो है इतने रुपए की अगर हम शर्ट खरीदें तो कितने की मिलेगी। द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू 56 बॉट फॉर 1064640, तो हम इसको हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने हमने यानी 56 था तो 10640 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 56 से तो 1 डिवाइड होता नहीं है, फिर 0 बढ़ाएंगे वो भी डिवाइड नहीं होगा, 6 यानी 106 हो जाएगा, तो ये आसानी से डिवाइड हो सकता है, तो 56 वन ज़ा क्या हो जाएगा, 56 ले लेंगे यहाँ से 0, फिर अब यहाँ पे 54, अब इतना टेबल पढ़ना है कि हमें यहाँ से डिवाइड आसानी से हो, 56 9 ज़ा 504, यानी इस तरह से दोनों कट हो गया, अब 0 बचा तो 0 को यहाँ पे लिख दिया, तो यानी शर्ट वो कितनी खरीदेगा, 190 शर्ट वो खरीद सकता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे दिया है 420 एंड 240, तो हम 240 से यानी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 240 से पहले हमने डिवाइड किया तो ये आया, फिर इस तरह से ये हमने माइनस कर दिया, माइनस करने पर 180 आया, 1 अब जो यहाँ पे जो अंक था जो नीचे यानी हमारा रिमाइंडर आया इससे हम इसको डिवाइड करेंगे,
तो हमने इसको इसको डिवाइड किया 180, फिर इससे हमने इसको डिवाइड किया तो 60 आया, 60 जो यहाँ पे था बचा था रिमाइंडर, इस रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 63 जा 180 होता, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 60 हो जाएगा। फिर इसे यहाँ लिखा है 40, 120 एंड 360 लिखा है, तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 43 जा होता है 120, यानी 40 का टेबल पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ा जा सकता है, सिर्फ 4 का टेबल पढ़िए, आगे 0 लगाते चले जाइए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 43 जा, यानी इस तरह से लिखा हमने, जैसे 4 into 1 इज इक्वल टू 4, और 4 into 2 इज इक्वल टू 8, 4 into 3 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 0 बढ़ाया, इधर 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 0 बढ़ाया, देखिए कितना आसानी से लिख सकते हैं। तो 40 का टेबल किसी भी 0, जैसे किसी नंबर के आगे 0 उसका टेबल लिखना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो नंबर है नंबर 1, 2, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल नंबर उसको मल्टीप्लाई करिए, आगे 0 लगा दिए, बस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 40 आ गया, 40 से फिर हम 360 में डिवाइड करेंगे, तो सेम प्रोसेस मैंने से बताया, 49 या 360 होता, तुम्हारा आंसर जो है हमारा वो आ गया 40 आ गया। अब हम इसके आगे फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2, 4, 6, 8, तो हम एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 6, 8, यानी अलग अलग हम एलसीएम निकालना था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 2 1 जा 2, यानी 3 हो गया, क्योंकि 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होता, सेम ऐसे उतार देंगे 2 2 जा 4, फिर 2, फिर सेम इसको उतार देंगे यहाँ तक, फिर 2 1 जा 2, अब 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इस तरह डिवाइड हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, यानी हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इस तरह से करेंगे। फिर 10, 15, 30 and 40 का निकालेंगे, 10, 15, 30, 40, तो 2 5 जा 10, 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0, फिर 2 से भी, अभी क्योंकि 2 से हमारा डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस 15, 5, 15 सबको उतार, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होने वाले, 2 1 जा 2, 0, फिर यहाँ भी क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा था, हम यहाँ से कर लेंगे। फिर हमने किया, यानी 5, 15, 15 को उतार दिया, 2 5 जा 10, अब यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 जा 15, 5 1 जा 5, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हम इसका हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 into 2 into 2 into 5 into 3, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 काउंट कर लेंगे, 5 5 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा, कितना होता है 8 5 जा 40, 43 जा 120, तो हमारा जो आंसर आया 120 आया। अब इसी तरह से ले फिर इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो यहाँ पे 3 होल नंबर 1/3 लिखा है, यहाँ ब्लॉक या 2 होल नंबर 1/2, पहले 3 सीजन, इसका हमने इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 3 सीजन 9, 9 1 10, 10 by 3, 2 1 2, 2 2 जा 4, 4 1 5 by 2, फिर यहाँ पे देखिए हमने 10 by 3 लिखा है, यहाँ पे अभी इस तरह, यानी इस वाले नंबर से, इस डिनोमिनेटर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, और इस वाले डिनोमिनेटर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 10 2 जा 20 हो जाएगा, 3 जा 6 जाएगा, 5 3 जा 15, 3 जा 6, इस तरह से जो है हम इसको बड़ा छोटा पता कर लेंगे। तो देखा हमने यहाँ पे, यानी ये तुम्हारा जो है नंबर, क्योंकि ये 10 है ये छोटा, यानी हमारे डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए, तभी हम बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह से 1/7 है, फिर 3/5 है, तो सेम यहाँ भी वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, 1/7 मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, फिर 7 3 जा 21, इस तरह से कौन सा बड़ा है ये बड़ा है, फिर यहाँ भी वही सेम प्रोसेस हमने 9 4 36, 31 7, और ये 88 11 88 9 89 हो गया, फिर हमने यहाँ पे 11 हो गया, तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया और सेम 407 आए, फिर सेम, यानी इन दोनों में जैसे यहाँ भी करा था जो पिछले हमने बताया आपको क्वेश्चन उसमें किया था, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए हमारा ये आ गया, तो यहाँ पे नंबर हमारा ये बड़ा है। फिर हमारा ये 4/5 लिखा था, 4/5 यहाँ ब्लॉक लगा था, क्योंकि दोनों हमारे डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमिनेटर से इक्वल का साइन लगेगा। फिर अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 5/2, 2/4, 7/8, 6/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 1 1, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1, इस तरह से 2 2 डिवाइड हो गया, तो दिस द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 16 इज इक्वल टू 16, तो हम 5/2 हमने 2 से 16 को डिवाइड किया, तो 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में हम करेंगे, तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, नहीं यही सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो आसानी से जो है किया जा सकता है, अगर छोटा नंबर होगा तो आसानी से नहीं किया जा सकता है।
फिर हमने यही सेम प्रोसेस 4 2 8 4 4 16 7 2 14 8 2 16 6 1 6 इस तरह से हमने सेम वही सेम प्रोसेस यूज़ करके हमने इसको किया। और अब इसमें हम चेक करेंगे, देखिए ये हमारा जो है छोटा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, फिर ये पर फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये मतलब इस तरह से। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जो हमने बताया था आपको, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से होता है। तो असेंडिंग 6 by 16 हो गया, ग्रेटर दैन 8 by 16 हो गया, फिर उसके बाद 14 by 16 हो गया, 40 by 16 हो गया, फिर यहाँ पे 6 upon 16 यानी हमने जो बड़ा नंबर छोटा ढूंढ सेट किया देखा था करा था उसको आसानी से कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट नंबर और देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर इसी का जो सेकंड पार्ट है यानी दूसरा 3 by 5 1 by 4 4 by 7 3 by 6 1 by 3, तो इसका भी हमने एलसीएम देखिए इस तरह से निकाला हुआ है। एलसीएम सेम प्रोसेस करके हमने एलसीएम निकाला हुआ है, उसी तरह से जो है आप एलसीएम निकाल लेंगे, यानी ये एलसीएम निकाला हुआ है। इसको एलसीएम निकालने के बाद हमने यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई 420 आया, फिर उसके बाद 3 by 5 584 और अपॉन 80 यानी हमने जब 5 से 420 को डिवाइड किया तो हमारा 84 आया, 84 का मल्टीप्लाई किया तो 250 आया, इसमें 420 हो गया। यानी फिर हमने 1 का फिर यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो 105 आया, 105 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया तो हमारा ये आ गया। फिर हमने 7 यानी हमेशा डिनोमेटर से जो हमारा एलसीएम निकलेगा उसे डिनोमेटर से ही डिवाइड करेंगे, तो हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 60 आया, तो हमने जो मल्टीप्लाई किया हमारा 240 आया। फिर हमने 7 से किया तो यहाँ पे 420 आया, फिर यहाँ पे 6 से डिवाइड किया तो हमारा 70 आया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आंसर आया 7। यानी दोनों में न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों मल्टीप्लाई करना होता है। 1 upon 3 1 upon 40 ये हो गया, तो 1 upon 40 1 420 इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर असेंडिंग ऑर्डर करा हमने, असेंडिंग ऑर्डर थोड़ा छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा हमारा जो था 105, तो फिर 140, फिर 210, 240, 252 इस तरह से हमने लिखा। फिर यहाँ पे जो नंबर्स पहले से दिए हुए थे उन नंबर्स को हमने लिख लिया इस तरह से, 1 upon 4 बड़ा इससे जो बड़ा 1 upon 3 इससे बड़ा 3.6, 3 upon 6 है फिर इससे बड़ा 4 upon 6 है, फिर इससे बड़ा 3.5 इसी तरह से। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख लें, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन में दिया तो हम सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे जो हमने प्रोसेस पिछले असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम ऑफ 8539 इज 360 आएगा, तो हम जो ये नंबर होगा यानी इसको नंबर को यहाँ लिखेंगे और 8 से हमने इसको डिवाइड किया तो 45 आया, 45 पर 2 मल्टीप्लाई का 90, 8 का 45 का 8 मल्टीप्लाई का तो 360, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 144, इससे मल्टीप्लाई का तो 360 इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। फिर हमने वही सेम प्रोसेस यूज़ किया तो यहाँ पे ये आया, फिर इस तरह से इसको हमने डिवाइड किया दिया आंसर आया। तो अब हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमने लिखा पहले 240 upon 60, 144 upon 360, 90 upon 360, 80 upon 360, फिर इस तरह इसको फिर सेम ऐसे ही जैसे लिखना लिखा जाता उस तरह लिखा हमने। फिर इसका सेकंड जो ऑप्शन था वो हमने किया, सेकंड ऑप्शन भी उसी तरीके से सेम, पहले हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए हमने एलसीएम निकाला हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लें और समझ लें। फिर एलसीएम निकालने के बाद हमने इसको सेम प्रोसेस 1 upon 7, फिर हमने 7 से 252 में डिवाइड किया तो 36 आया, 36 फिर 36 upon 252, फिर 1 upon 6 दिया, फिर इससे डिवाइड किया तो 142, फिर इससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 12 upon 252 में डिवाइड किया तो 21 upon 252 आ गया, फिर इसी तरह से जो है हमने 9 से डिवाइड किया तो 28 upon जो है हमारा जो है क्या आया 28 upon 252 हो गया। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा तो 42 upon इस तरह से जो है हमने पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए लिखा हुआ है। फिर इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम नंबर चेक कर लिए और हम हमेशा डिनोमेटर पहले सेम करते हैं, उसके बाद ही जो है इसको फिर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। थैंक यू।